अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। आज मैं मौजूद हूं शहर कराची के अंदर, नॉर्थ कराची के इलाके में, जहां हम आवाम से राय जानेंगे कि वो 2024 8 फरवरी को किस सियासी जमात को अपना वोट देंगे। आइए चलते हैं और आवाम की राय जानते हैं कि वो किस सियासी जमात को अपना वोट देंगे। MKM पाकिस्तान, मैं एक्चुअली सामाजिक कारकुन हूँ और मैं इस इलाके की मेरी रिहाइश है और मैं यहीं पर पैदा हुई हूँ। तो हमने शुरू ही से मतलब 88 से लेके और जो 2018 तक का हमने देखा है, तो वो यहाँ पर MQM का वोट काम किया है। MQM ने, मुत्तहिदा ने, तो वोट भी हमारा उन्हीं को है। और एक पैगाम और कि वोट फॉर MQM पाकिस्तान। करता हुए सर मुत्तहिदा क्या है जी, माजी है, माजी ही है, तो भी देंगे वोट और इंशाल्लाह ज़्यादा पाकिस्तान को। देखिए, हम माजिर हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, तो अपना वोट अपनों के लिए एक ही बात हम कहेंगे जी, MQM पाकिस्तान, और इंशाल्लाह इस दफा का इलेक्शन वही होगी। MQM पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान बोलिए सर। MQM पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा वोट होता है उनके लिए। MQM को ही देंगे सर हम भी, क्योंकि उसका जो काम है वो काम अच्छा करती है। MQM का कोई आएगा तो उसको दे देंगे। MQM जाहिर है, हम उसमें इस खत्ते में रहते हैं, हमारे सारे उर्दू बोलने वाले, इनको जाहिर इन्हीं को वोट देंगे। सर उनका निशान है ही पतंग, जब माजिर है तो माजिर कहलाएंगे, ठप्पा लगा हुआ है तो लगेगा उसी को ठप्पा। MQM का इंसाफ करे, अदल करे, लोगों को सहूलियात फराहम करे, लोगों के लिए आसानी करे, उसी को वोट देंगे। अगर कोई है तो उसको दे देंगे। MQM को दे देंगे। MQM या तो MQM को देंगे या इमरान खान को देंगे, दो के अलावा तो कोई तीसरी पार्टी नहीं है इस काबिल। और इलेक्शन में वोट इंशाल्लाह MQM पाकिस्तान को दूंगा, क्योंकि वो उनकी खिदमत है। माजी में मुस्तफा कमाल ने काफ़ी खिदमत की है कराची की, तो इंशाल्लाह ताला अगर वो आ जाते हैं हुकूमत में तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी पिछले 15 सालों से हुकूमत में, यहाँ पर कोई ऐसा कोई काम नहीं, गंदगी और नाले वाले बह रहे हैं, सब आपके सामने है बॉस। उनकी जो है आउटपुट बिल्कुल जीरो है बॉस यहाँ पर। MQM पाकिस्तान को देने का मकसद ये है कि वो ये उसमें मुस्तफा कमाल भी है और बाकी सारे जीनियस लोग हैं इस वजह से। नाज़रीन, हमने नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम से राय जानी कि वो आइंदा आम इंतखाबात में किस सियासी जमात को वोट देंगे, जिस पर आवाम ने अपने मिले जुले रद्देअमल का इजहार किया। आपके साथ फिर वीडियो पर कराची शहर के किसी नए इलाके में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।